इस पे एक सवाल ये बनता है कि हमारे मुल्क में ये भी तो डिलेमा है कि जो श्रिंक के पास गया है हाँ। या काउंसलर के पास, ओह वो तो पागल हो गया है, तो उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे जो आपको देख रहे हैं जो डरते हैं इस चक्कर में बात करने से, व्हाट डज अ काउंसलर इनिशियली डू बिफोर ही डिटरमाइंस कि इसको सीरियस अटेंशन चाहिए? कम्युनिकेशन से आप ऑब्जर्व करते हो कि वेदर दिस पर्सन लेडी और जेंटलमैन नीड्स सम? Yeah, that's a nice question actually. उसमें क्या होता है कि 90, I would say one thing, 93% of communication comes from your body language. Right. ठीक है ना, only 7-8% communication comes from your ज़बान. बिल्कुल ठीक है. तो जब आपकी body language जैसी होती है ना, वहीं से हमें पता चल जाता है कि what is going on. Okay. Believe me, जो कि आसान होता है हमारे लिए, फिर verbal language होती है start, तो हमें पता चल जाता है. पहला या दूसरा जो सेशन या सेटिंग्स है उसमें हमें ये पता चल जाता है कि इसके साथ इश्यूज़ क्या हैं, इसकी पर्सनालिटी क्या है, लाइफ में इसके क्या हो रहा है, और तीसरे चौथे में हम उसको बता देते हैं कि भाई ऐसा कर. ओके. ठीक है, इसमें अभी तक डायग्नोसिस तो नहीं आई ना, इसमें कोई बीमारी नहीं आई, उसकी अपने जो ऑन गोइंग सिचुएशन है, वी कैन हेल्प दैम. ओके. सिंपल इज दैट. अगर आप उसमें भी आते हुए शर्माएं तो फिर आप खुद से चवले मारते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं. नतीजा क्या होता है कि एक ही गलती दोबारा होती रहती है. सो पेरेंट्स हु फाइंड आउट दैट द चिल्ड्रन आर नॉट बिहेविंग नॉर्मली, दे शुड कंसल्ट. या मियां बीवी के रिलेशन में वन ऑफ द पर्सन फाइंड द अदर पर्सन इज नॉट बिहेविंग शुड कंसल्ट. अच्छा, अब इस पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि एक स्ट्रेस है जो आप घर से इनहेरिट करते हो, एक है जो आपकी डीएनए में आप इनहेरिटेंस होती है, एक है पीयर प्रेशर जिसमें बच्चों में ड्रग्स आ जाती हैं या अल्कोहल अब्यूज आ जाती है. तो ये आप इसको भी, हाउ डू यू काउंसल दिस थिंग? या दैट्स नाइस. अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ जहाँ पे मैं चैनल पे बैठ के बात नहीं कर सकता. हाँ. लेकिन यहाँ पे हम बैठ के बात कर सकते हैं. देखो, हमारा मसला ये है कि हमने बॉलीवुड को बहुत देखा है. करेक्ट. और हमें लगता है कि जब कोई गमजदा सीन आएगा मेरी लाइफ में, कोई ब्रेकअप होगा, किसी की मंगनी कहीं हो जाएगी, तो मैंने नशा कर लेना है. ऐसी है. और नशा करके मैंने वहाँ राम जाने बन जाना है, और उसके बाद मैंने अपने आप को ठीक करना है. ठीक है, साइंसी तौर पर नशा आप जब ना करें जब आप ऑलरेडी सेट चल रहे हो. ओके. ये एक मैं आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ख़त्म करूँ. जो लोग इसको कोपिंग स्ट्रेटजी के तौर पे यूज करते हैं, उनका बहुत जल्दी बेड़ा गर्क होता है. चाहे वो अल्कोहल हो या ड्रग हो, वो आपकी प्रिवेलिंग मूड को, जो ऑलरेडी आपका मूड चल रहा है, उस प्रिवेलिंग मूड को एनहांस कर देते हैं. एब्सोल्युटली. अगर आप डिप्रेस हैं, आपने नशे किए, आप रोना शुरू कर देंगे. अगर आपने अल्लाह ना करे कोई ऐसी एक्सटेसी कर ली या कोई कोकेन कर ली और उसके बाद आप ऑलरेडी डिप्रेस थे, तो आपको इतना गंदे तरीके से रिएक्ट करेगी कि आप ओवरडोज हो सकते हैं. ठीक. तो अगर आप ऑलरेडी हैप्पी हैं, पार्टी मूड में, लाइफ इज सेटल्ड, यू फील दैट एवरीथिंग इज गोइंग नाइस, यू हाई ऑन लाइफ, या यू ऑलरेडी हाई ऑन योर लाइफ, और उसके बाद अगर आप नशा करते हैं तो वो आपकी लाइफ में बड़े मजे से बज दे देती है और आप खुश होते हैं. बट दैट इज टेम्पररी. या दैट इज टोटली टेम्पररी. लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लोग की कोपिंग स्ट्रेटेजी नशा बन गई है. उनको लगता है कि नशा करेंगे, खुशी है तो नशा करो, गम है तो नशा करो, बिल्कुल लेनी है तो नशा करो.